के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जी मीडिया से खास बातचीत की। यूपी के 63वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री के जेपी नड्डा जी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, रांची झारखंड की धरती पर पहली बार अधिवेशन एबीवीपी का किस तरीके से, कितना सफल मानते हैं? बहुत अच्छा है कार्यक्रम है और विद्यार्थी परिषद रांची में कार्यक्रम हो रहा है, सम्मेलन इसका यहाँ जो प्रस्ताव पारित होंगे वो बड़े दूरगामी प्रभाव डालने वाले होंगे। और हर साल हमारा अधिवेशन होता है विद्यार्थी परिषद का। इस विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में रांची और आसपास के सभी विद्यार्थी जुटे हैं तो यहाँ भी संगठन को मजबूती प्रदान होगी और आगे चल करके यहाँ हमारा काम वैसे भी अच्छा है। बड़ा पुराना कार्यक्रम है, मैं पुराना व्यक्ति हूँ, जानता हूँ। 1977 में भी मैं देख रहा हूँ सूर्यमणि सिंह जी वो विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो एक पुराना मजबूत काम है, उसको और मजबूती मिलेगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान मांगा है आपने यहाँ बीबीपी कार्यकर्ताओं से, क्या कुछ है वो और कैसे वो सपोर्ट कर पाएंगे? मिशन इंद्रधनुष में हम टीकाकरण का कार्यक्रम मिशन मोड में ले रहे हैं। उसमें हमने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, रेड क्रॉस सभी के युवा कार्यकर्ताओं को निमंत्रित किया है कि वो समाज में जाकर स्वास्थ्य विभाग के साथ एक उनका सम्मान, उनका संपर्क जोड़े और उस जोड़ने में ये युवा बहुत मदद कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे छूट रहे हैं उनको हम टीकाकरण के दायरे में ला सके और इसमें हमारे युवा मदद करें। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सर। उन्होंने साफ कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य भारत में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो सके। कैमरा पर्सन अरुण सिंह के साथ कामरान जलीली, सी मीडिया, रांची।